नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर आप लोगों को एक्सोरिस्मेंट से संबंधित डेवलपर वीडियो व अन्य इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आज की वीडियो में बात करूँगा डिफेंस पेंशनर के बारे में। साथियों, हमारे डिफेंस पेंशनर की जो ORP2 का जो फैसला आया था, उस पर हमारे पेंशन कर्मियों को कितनी पेंशन मिलेगी, कितना एरियर मिलेगा, उन सभी का कैलकुलेटर के बारे में बताऊंगा। पेंशन कैलकुलेटर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिसके हिसाब से आप अपनी पेंशन खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका एरियर कितना बनेगा, आपकी बेसिक पे कितनी बनेगी और टोटल पेंशन आपकी कितनी बनेगी, ये सब इसके मैं आपको पेंशन कैलकुलेटर में बताऊँगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे और आप मेरी वीडियो का भरपूर फायदा उठाते रहें। तो दोस्तों, अभी आपको बता देता हूं अपनी पेंशन का, अपना बेसिक पे का और अपने एरियर का कैसे कैलकुलेशन करना, आपको कैसे कैलकुलेट करना, इन सभी के बारे में। तो इन्हें कैलकुलेट करने से पहले हम आपको दो तीन चीज़ों के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपका जो 7CPC है, उसमें हमारी जो पेंशन कितनी बढ़ी थी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, ये 7CPC में जो हमारी पेंशन बढ़ी थी 23.55 के हिसाब से बढ़ी थी। और दोस्तों, ORP आया फिर हमारा जुलाई 2014 में दोस्तों, उसके बाद 7th पे कमीशन आया हमारा 1 जुलाई 2016 को। और दोस्तों, ORP जो ड्यू डेट थी हमारी 1 जुलाई 19 से लेकर 31 मार्च 2022 है दोस्तों, यानी कि हमारा हर 10 साल के बाद में हमारा पे कमीशन होता है। लेकिन हमारी जो ORP 1 रैंक 1 पेंशन के हिसाब से जो हमारी पेंशन रिविजन के लिए बताया गया है, वो सिर्फ 5 साल में बताया गया है दोस्तों 1 जुलाई 19 से लेके और दोस्तों 31 मार्च 2022 तक का में इसमें एरियर दिया जाना है। और 1 जुलाई 2014 से लेकर 1 जुलाई 2019 के बीच 5 साल पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 जुलाई 2019 को हमारा पे रिविजन बनता है, तो यहाँ से हमारा पे रिविजन होगा। और दोस्तों, होना था 2019 को जुलाई को, लेकिन अभी हमारा आ गया मार्च 22। तो तकरीबन दोस्तों, इसमें हमारे 3-3.5 साल का हमारा इसमें एरियर बन जाता है। और दोस्तों, इसे कैसे कैलकुलेट हमें करना है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो 3.5 साल के हिसाब से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे हमारा जो हमें पहले 7th पे कमीशन के हिसाब से हमें जो मिला था, हमारी जो पेंशन बढ़ी थी 23.55 के हिसाब से बढ़ी थी, तो उसको हम जितने साल का हमें निकालना है उतने साल से गुणा कर देते हैं। 3.5 साल का निकालना है तो 3.5 साल से गुणा कर देते हैं। और दोस्तों, हर 10 साल बाद पे कमीशन होता है, इसलिए 10 से हम इसको भाग कर देंगे। तो भाग करने के बाद हमारा निकल कर आता है 8.24% इसमें निकल कर हमारा आ गया। तो ये हमारा इस हिसाब से हमारी पेंशन ORP2 में बढ़ेगी। ये हमारा बढ़ने का जो रेशियो है निकल कर आ गया है 8.24। इसके हिसाब से हम अभी निकाल के आपको दिखाएंगे, जिसमें आपका सभी JCOs का, हौलदार का, नायक का, सिपाही का और सूबेदार मेजर का, इन सभी का मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे निकालते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊंगा, एक एग्जांपल लेकर इसका कितना इंक्रीज हुआ है। अभी दोस्तों, मैं आपको देखिए एक एनचोज का कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, जिसकी बेसिक पे 23,000 रुपये है। तो इसको हम करेंगे 8.24 से मल्टीप्लाई और इसका कितने प्रतिशत बनता है, कितना इसमें बढ़ोतरी होती है वो देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 23,000 गुणा 8.24 बराबर हो गया इतना, इसको भाग कर देते हैं अभी 100 से दोस्तों, 1895 रुपये, ये देखिए हमारा 1895 रुपये इसमें बढ़ गया। तो इस 1895 रुपये को हम, ये हमारा जो 1895 रुपये आया यहाँ पे बढ़ के, 23,000 गुणा 8.24 का इनका प्रतिशत लेके कितने परसेंट बढ़ा है, तो 1895 रुपये हमारा बढ़ा। इस 1895 को हम 23,000 में जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो इसको जोड़, इसको प्लस इसको जोड़ने के बाद आ गया हमारा 24,895 रुपये दोस्तों, यह आया 24,895 रुपये। अब हम इसका 17% डीए लेते हैं तो कितना बनता है दोस्तों, देखिए
इसका 17% ये 24,895, 24,895 का 17% डी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये 4232 रुपये इसका डीए बन जाता है यहाँ पे। ये दोस्तों इसका 17% डीए बनता है 4232 रुपये, ये 4232 रुपये इसका डीए बन गया दोस्तों। और ये 24,895 प्लस 4232 रुपये, ये 29,127 रुपये हमारा बन जाता है यहाँ पे। 29,127 रुपये हमारी टोटल पेंशन बनेगी ये। अब इसी प्रकार हम आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा डीए 21% हो जाता है बढ़ के। और अगर हम 24,895 का 21% निकालते हैं दोस्तों, तो ये बनता है हमारा 5,227 रुपये। 5,227 प्लस 24,895 तो कुल मिलाकर बनता है 30,122 रुपये दोस्तों। इसी प्रकार आगे हमारा यहाँ पे डीए 24% हो जाता है। 24% होने के बाद में 24,895 जो आया है दोस्तों, ये जो हमारा बेसिक पे बनकर आया था नया, इसका 24% आता है 5,974 रुपये। तो 5,974 रुपये प्लस 24,895, इन सबको मिलाकर हमारा बन जाती है यहाँ पे 30,869 रुपये हमारी टोटल पेंशन यहाँ पे बनती है दोस्तों। तो दोस्तों ये टोटल पेंशन इस तरह पा रहे हैं हमारे डीए के हिसाब से, जैसे यहाँ पे बनी हमारी 21% के हिसाब से, ये बनी हमारी 17% के हिसाब से, ये बनी 24% के हिसाब से। आगे इसी प्रकार 28% के हिसाब से निकाल लेंगे, उसके बाद 31% के हिसाब से निकाल लेंगे, और इन सब का टोटल कर लेंगे 6-6 महीने के हिसाब से जैसे रहा। टोटल करने के बाद जो आएगा वो हमारा एरियर आएगा यहाँ पे। और दोस्तों ये हमारी नई बेसिक पे आ रही है यहाँ पे, ये बेसिक पे है और यहाँ पे सबका टोटल हमारा एरियर आएगा। और दोस्तों ORP 1 में जो रिविजन हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों ORP 1 रिविजन होने के बाद में जो लोग पेंशन आए तो उनकी पेंशन जो थी नेशनल पे फिक्सेशन के हिसाब, नेशनल NPS के हिसाब से उन्हें पेंशन मिल रही थी, तो उनकी पेंशन ज्यादा बन रही थी। और जो जस्ट 7CPC के बाद में पेंशन आ रहे थे उनकी पेंशन कम बन रही थी दोस्तों। तो यानी कि 2016 से के बाद के उनकी पेंशन कम बन रही है, और 2016 से पहले है जिनको ORP 1 मिल चुका है उनकी पेंशन ज्यादा है। इन सभी को दोस्तों बराबर करने के लिए ORP 2 लाया गया है दोस्तों। इसका मकसद यही है, जिनकी पेंशन कम आ रही थी उनकी, और प्लस जिनकी ज्यादा आ रही थी उनकी, दोनों को बराबर करने के लिए ORP 2 लाया गया है दोस्तों। इसमें दोस्तों हमारे बेसिक पे में बढ़ोतरी हुई, प्लस एरियर बना इसमें हमारा, और हमारी पेंशन में बढ़ोतरी हुई, इन सभी चीज में इसमें हमारी बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों इसी प्रकार से सब लोग अपनी अपनी जितनी उनकी बेसिक पे आ रही है, जैसे कि यहाँ पे 30,000 आ रही है, उनकी जो भी बेसिक पे है पेंशन की, उसमें 8.24 का गुणा कर देंगे वे, और गुणा करने के बाद में जो उसका आएगा उसको उसमें जोड़ देंगे बेसिक पे में, और उसका जितना डीए होगा वो प्लस उसमें जोड़ देंगे, तो उनकी नई पेंशन बनकर इसी प्रकार से आ जाएगी। सब लोग अपनी अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर मेरी कितनी बनेगी, मेरी कितनी बनेगी। तो दोस्तों मैं हर आदमी को तो निकाल के नहीं दिखा सकता, इतने कमेंट आ रहे हैं हर आदमी की, तो दोस्तों हर आदमी अपनी अपनी निकाल सकता है इसी फॉर्मूले के हिसाब से, बिल्कुल नए फॉर्मूले के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तकरीबन इसके बराबर ही आप लोगों की पेंशन बनेगी जितनी, उसमें तो 19-20 हो सकता है, तकरीबन डेटा बिल्कुल सही आएगा आप लोगों का। तो साथियों ये थी आपकी पेंशन कैलकुलेट करने के लिए मेरे द्वारा दी गई जानकारी। जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।